ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी इंसान के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी जी की भी कृपा हो, सरस्वती जी की भी कृपा हो। पर हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर दोनों देवियों की कृपा है। नमस्कार, जय जिनेन दोस्तों, मैं ललित सराउगी जैन आज कोलकाता में एक ऐसे जैन रत्न से आपका परिचय करा रहा हूं जो आर्थिक रूप से जिन्होंने न केवल देश ही नहीं बल्कि विश्व में अपना नाम कमाया है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद से जिन्हें 2 बार गोल्ड मेडल से नवाजा गया है, जिनकी कंपनी TT लिमिटेड आज भारत ही नहीं दुनिया में नीटवेयर के कामों में अव्वल है, जिनको न जाने कितने मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में कवर किया जाता है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि वो किताबें भी लिखते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ TT लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय जैन की। संजय जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आपकी कंपनी क्या करती है? हम पहली कंपनी थी इंडिया में जो BSE पर लिस्टिंग किया 1990s में, एंड हम वी आर अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है जो 65 देशों में एक्सपोर्ट करती है। पूरे पैन इंडिया हमारा फुटप्रिंट है, एंड हम कॉटन यार्न, नेटेड फैब्रिक, कैजुअल वेयर, इनर वेयर, एक्टिव वेयर, सब कुछ पूरी लाइन करते हैं, बोथ फॉर मैन, वुमेन एंड ऑल्सो किड्स। आप अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं, अनेक काम करते हैं, क्या है वो काम और कौन सी है वो संस्थाएं? आई हैव बीन द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ द अपेक्स टेक्सटाइल एसोसिएशन, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्लस मैं निटमा का चेयरमैन रहा हूँ, निट्रा का रहा हूँ, टेक्सटाइल सेक्टर काउंसिल का चेयरमैन रहा हूँ, एंड उसके अलावा मैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बोर्ड मेंबर रहा हूँ, जो विच वॉज चेयर्ड बाय AM नायक LNT के जो ग्रुप चेयरमैन हैं। ये टेक्सटाइल में बहुत सारों में मैं कमिटीज वाइस प्रेजिडेंट हूँ। 13 प्रोफेशनल फोरम में मैं पास नेशनल ट्रस्टी रहा हुआ। मैं जीतों में बहुत क्लोजली जुड़ा हूँ लास्ट 4-5 साल से, और हमारे जीतों का जो सबसे बड़ा वर्टिकल है जीतो बिजनेस नेटवर्क, उसका फाउंडिंग मेंबर भी हूँ। पहला कंसेप्ट नोट मैंने लिखा और अभी उसका नेशनल चेयरमैन हूँ। भारतीय जैन संगठना, उसमें मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हूँ, और वैसे छोटे मोटे विभिन्न संस्थाओं से और भी जो अपने हैं, जो ह्यूमैनिटी का वर्क कर रही है, लायंस क्लब है वगैरह से भी एक्टिवली जुड़ा हुआ हूँ। संजय जी, आपकी एक किताब मैंने पढ़ी है, ए पिंच ऑफ सॉल्ट। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया, कैसे आपने इस किताब को लिखा? ये मेरी जिंदगी के अनुभवों पर है, 18 ऐसे अनुभव, छोटे बट बहुत इम्पैक्टफुल। और मैंने ये किताब लिखते टाइम ये देखा ये मासेस के लिए है, सिंपल इंग्लिश में लिखा, और वैसी चीज़ें लिखी जो आप अगले मोमेंट जिंदगी में उतार सकते हो, जिसका इम्पैक्ट आपको मिलेगा। और इसका नाम मैंने देखा, एक दिन मैं डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था, खाने में हल्का सा नमक कम था। उस दिन मैंने एहसास किया, एक चुटकी भर नमक सब कुछ अच्छा होते हुए भी बेस्ट से बेस्ट डिश को खराब कर देती है। और तभी समझा मेरे छोटे छोटे अनुभव और ज्ञान 99% जो जिंदगियां कंप्लीट है उसको पूर्ण कर सकती है। इसीलिए मैंने ये पिंच ऑफ सॉल्ट इन द रेसिपी कॉल लाइफ रखा, एंड आई वाज ब्लेस्ड, इंटरनेशनल पब्लिशर ब्लूम्सबेरी ने एक्सेप्टेड टू पब्लिश दिस बुक, दिस वॉज एन ऑनर फॉर मी ऑल्सो। कोई ऐसे कुछ पुरस्कार जिसको पाकर आपको लगा हो कि हाँ मैंने कुछ किया? एशिया पैसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड, ET बिजनेस लीडर, एक जैन संस्था है इंटरनेशनल गोपियो करके, उस वहाँ पर बहरीन में उन्होंने मुझे सम्मान किया था। आई थिंक सो आई वुड कंसिडर दैट एज द बेस्ट अवार्ड, बिकॉज पूरे इंटरनेशनल में, ग्लोबल में उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर
अवार्ड दिया था। इसके अलावा उद्योग रत्न सबसे पहला अवार्ड मिला था एंड सो ऑन एंड सो आउट। आई वुड नॉट लाइक टू नेम ऑल ऑफ देम, बट इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ प्राइड व्हेन यू आर रिकग्नाइज एंड अवार्डेड अमंग्स एन एलीट क्लास। अनेक लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी, कुछ ऐसे लोग जिनसे आप प्रभावित हुए हों? लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि मिलने का काम पड़ता रहता है, बट मेरे इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो कार्यकाल रहा है उसमें आई वॉज ब्लेस्ड टू मीट सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेट आईएएस ऑफिसर्स बंगाल में भी, यूपी, गुजरात और सेंटर में भी। और खासकर मैं बोल रहा हूँ स्मृति ईरानी जी से मेरा काफ़ी, 3 साल तक वो टेक्सटाइल मिनिस्टर थी जब मैं सिटी का चेयरमैन था, और उसके बाद में पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर थे और अब टेक्सटाइल मिनिस्टर है। संजय जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ललित जी और वाह जिंदगी को कि आपने मुझे इस लायक समझा, कि आपने इतने इम्पोर्टेंट चीज में मुझे इंक्लूड किया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।